माई जी, वेलकम टू टू थ्री खालसा गीस। कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, मालिक सबको अच्छा रखें। भाई जी, जितने भी एक्सट्रूल यूजर हैं, जितने भी प्यार करने वाले भाई हैं, कोई लवस नहीं है जो आप सब लोगों का मैं दिल से थैंक्स कर सकूँ। हमेशा आप भाइयों के आगे हाथ ऐसे ही रहें, ये मेरी उस परमात्मा के आगे अरदास है। क्योंकि वीर जी, जीवन जो है ना, जो उपजो सो बिनस है, हमारी गुरबाणी कहती है जो उपजो सो बिनस है, जो जैसे पैदा हुआ है वो एक दिन वो नापैदा होना है। यहाँ किसी का कुछ नहीं है भाई जी, ये कर्म है, कृत है, मेहनत है। दो वक्त की रोटी के लिए सब लड़ते हैं और लड़ना भी चाहिए। जो इंसान दो वक्त की रोटी के लिए नहीं लड़ सकते, तो वो लोग वो फिर उनको कहते हैं डेड, यानी कि मरे हुए जमीन है। अब मैं मेन मुद्दे वाली बात पे आता हूँ भाई जी। आज मैं घर पे ही हूँ, माहौल आप देख रहे हो भी, मैं घर पे हूँ, अपनी छत पे, घर की छत के ऊपर बैठा हूँ। बारिश रात से पड़ रही है, बहुत जबरदस्त बारिश है। अभी मौसम बना पड़ा है, अभी भी हल्की हल्की बूंदें आ रही हैं और अभी बारिश का पूरा जबरदस्त मौसम बना पड़ा है। ठीक है भाई जी, मेन जो मुद्दे वाली बात है, थोड़ी एनर्जी भी ले लेनी जरूरी है। ये ठंडी हो जाती है फिर मजा बिगड़ जाता है। मेन मुद्दे वाली बात है भाई जी, ये वीडियो अगर अच्छी ना लगे तो उसको अनलाइक जरूर करना, अच्छी लगे तो लाइक कर दे करो भाई जी, उससे हौसला बढ़ता है। वर्किंग की वीडियो बहुत दिखाते हैं आपको, मैंने बहुत सारी वीडियोस आपको, ये मशीन ऐसे चलती है, ये वैसे चलती है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें वर्किंग की वीडियोस मैंने बहुत दिखाई हैं आपको। आज सिर्फ अपने भाइयों के लिए कुछ विचार हैं जो विचार आप तक पहुंचाने हैं। किसी भी चैनल पे कोई भी वीडियो आए उसको जल्दबाजी में ना देखें, उसको प्यार से देखें भाई जी, रिलैक्स होकर उन लफ्जों को समझो, वो लफ्ज क्या कहना चाह रहे हैं। हम लोग समय निकाल के भाई जी, देखो हर इंसान की लाइफ बिजी है, हम लोगों को कोई बहुत बड़ा लोभ लालच नहीं है, लेकिन कोई मैसेज अगर आप तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसका मतलब क्या है कि उसको स्किप स्किप ना करो ज्यादा, उसको बात को समझो। कल एक मैंने पोस्ट वायरल की थी, जो कि कंपनी से मुझे पोस्ट आई थी कल, वो अभी भी हमारे फोनों पे आप देखो स्टेटस पे वो पोस्ट आपको लगी मिलेगी। ठीक है जी, अपने यूट्यूब चैनल पे जो कम्युनिटी पोस्ट क्या होती है, स्कूल कम गए उस वजह से तो कभी कभी कम्युनिटी पोस्ट में जो है ना, आप जाके देखो वहां पे भी वो पोस्ट मेरी डली हुई है। दूसरी भाई जी, वो पोस्ट क्या है, उस पोस्ट को लेके बहुत सारे कॉल मैसेज आ रहे हैं। पिछले 2 से 3 महीने से एक्स टूल के अंदर बेहतर से बेहतर ऑफर आ रहे हैं, मतलब 2 से 3 महीने के अंदर में अच्छे से अच्छे जो है ऑफर आ रहे हैं। सबसे पहले मेन मुद्दे वाली बात क्या है कि टूलों के ऊपर ऑफर थे। ठीक है भाई जी, भाई पुराना टूल, किसी भी कंपनी का पुराना टूल दो, नया टूल लो, ठीक है भाई जी, वो ऑफर था अपना ऐसे से लाइफ के लिए। फिर हमारे अपडेटों पे ऐसे ऐसे ऑफर आए जो जीवन में हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के ऑफर आएंगे। ठीक है भाई जी, सीधा ही मतलब जैसे कहते हैं ना, जो 22,000 का अपडेट है वो सीधा 11,000 में, सीधा 11,000 का ऑफर है। 1 ईयर अपडेट PS70 Pro का जो आया था पीछे, अभी वही सेम सिचुएशन X100 पैड 1 के लिए है। जो भी एक्सट्रूल यूजर भाई हैं जिनके पास पैड 1 है, आपके पैड 1 में ओनली पैड 1 बार बार कॉल मैसेज इतने आ रहे हैं भाई जी, हम लोग जवाब दे दे के थक चुके हैं। ओनली पैड 1, जिन भाइयों के पास पैड 1 है, आपके पैड 1 में ये बार बार मैसेज आ रहा है कि अपने डीलर से कॉन्टेक्ट करें, या ये मैसेज बार बार आ रहा है कि अपने टूल को अपडेट करें, या आपने साल या 6 महीने से अपने टूल को अपडेट नहीं कराया, आने वाले कल के अंदर आपके टूल में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको एक बार रिसाइकल करना बहुत जरूरी है। टूल को एक बार रिसाइकल करना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई जी, अब मैं खास मेन मुद्दे वाली एक और बात बताता हूँ। जिन भाइयों के पास भी पैड 1 है, ओनली 13,000 रुपए में, ओनली 13,000 रुपए में एक साल का अपडेट मिलता है आपको। 13,000 रुपए में आपको एक साल का अपडेट मिलता है X100 पैड 1 के अंदर, एक्स टूल डिवाइस। ठीक है सर, फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये ऑफर सिर्फ 1 तारीख तक लास्ट है। आप कभी ये ना समझे भाई जी कि ये मान लो 10 दिन बाद फिर कॉल आती है, 20 दिन बाद कॉल, जी सर क्या हुआ मुझे अपडेट कराना है। भाई जी देखो, हम लोग भी एक चैन के साथ बंधे हैं, एक चैन होती है ना, आगे से आगे एक चैन चली है, हम लोग चैन के साथ बंधे हैं, तो हम लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। कंपनी के ही रूल रिलेशन में, कंपनी के दायरे के साथ ही चलना होता है। ठीक है भाई जी, ये तो जो मेरी बात थी, ये मेरी मुद्दे वाली बात थी कि अपडेट को लेके। एक मेरा दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको ध्यान से सुनना, वो मैं भी आपको अभी वो शेयर करने वाला हूँ, दूसरा मुद्दा भी, पहले ये पूरा कर लेता हूँ। 1 तारीख जो आने वाली है, 2 दिन बचे हैं हमारे पास, 1 तारीख आने वाली, उस तक लास्ट अपडेट है X100 पैड 1 का, 1 ईयर का अपडेट है 13,000 रुपए के अंदर। ठीक है भाई जी, ये टॉपिक अपना खत्म हो गया, अभी और दूसरे किसी भी टूल में अपडेट नहीं है सर। ठीक है जी, अब मेरी मेन मुद्दे वाली बात आती है अपने एक्स टूल यूजर्स के लिए। कोई भी भाई एक्स टूल का कोई भी टूल अगर यूज करता हो, उन्होंने किसी भी डीलर से लिया हो,
अगर उनको ये प्रॉब्लम आ रही है टेक्स्ट टूल के टूल में कि भाई जी मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मुझे सपोर्ट नहीं हो रही, बंदा कॉल नहीं उठा रहा, बंदा टूल भेजना छोड़ गया, मतलब अदर किसी भी तरह की एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, तो खालसा गीज के किसी भी नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करें। आप टूल रिटर्न देना चाहते हैं तो वेलकम है भाई जी, ठीक है जी। आपका टूल की जो कंडीशन होगी मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपसे टूल रिटर्न ले लिया जाएगा, उसके बदले में आप कोई और टूल लेना चाहते हैं, कैश बैक लेना मतलब अपने रिटर्न पैसे रिटर्न लेना चाहते हैं या अदर कोई और सामान लेना चाहते हैं, तो हर चीज़ में आपका वेलकम है। दूसरा भाई जी, आप एक्स टूल का कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हो, जैसे कि पैड 1, पैड 2, पैड लाइट, S6 लाइट, S6 EV, S6 प्रो, A2Z, कोई भी सुपर 2 हो, कोई भी टूल हो, आपके टूल की केबल ख़राब हो गई है, आपके टूल में कोई बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आई है, आपके टूल की डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम आई है, आपका टूल हैंग कर रहा है, A2Z कोई भी प्रॉब्लम आपके टूल के अंदर है, एक्स टूल के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये है, आई लव माई एक्स टूल को जो है ना, एक्स टूल में इतनी गहराई वाली बातें हैं, हमारे टूल का अगर एक स्क्रू भी इधर से उधर हो गया ना, एक स्क्रू जिसको बोलते हैं पेच, तो वो भी एक्स टूल में अवेलेबल है। यानी कि लाखों रुपए के टूल हम खरीदते हैं तो हमें ये डर नहीं है कि आने वाले कल में हमारे साथ, मतलब ऐसा हमने लाखों रुपए का टूल खरीदा फिर आने वाले कल में यार इसकी डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम आई तो हम क्या करेंगे, कुछ और प्रॉब्लम आई क्या करेंगे। काफ़ी डिवाइस ऐसे चल रहे हैं उनमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कंपनी सीधा बोलती है भैया कचरे के डब्बे में फेंको, नया ले लो। लाखों रुपए की चीज़ यार कचरे के डब्बे में कैसे फेंको, तो तरीका थोड़ी है भाई जी। अगर आपको बातें सही लगें तो इसको लाइक कर दे करो वीडियो को, ताकि मेरा भी हौसला बने। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट कोई नई चीज़ लेके आपके आगे मैं फेर आऊँ, ठीक है वीर जी। अगर गलत है तो उसको अनलाइक भी करना, अनलाइक करने से भी मुझे अकल आती है कि कहीं मैं गलत था, तो मैं अपने आप को चेक करता हूँ, फिर वो चीज़ें आगे सुधार होंगी, ठीक है सर। कमेंट भी जरूर करें आप लोग, हाँ तुई खालसा गीज को टीम को कैसा महसूस करते हैं, ठीक है वीर जी। दो मुद्दे खास थे, किसी के भी पास पुराना टूल हो वो अपने टूल को एक्सचेंज में देना चाहते हो तो वेलकम है, आपने किसी भी डीलर से लिया है वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप तुई खालसा गीज के किसी भी नंबर से एक बार कॉन्टेक्ट करें, आपके टूल में कोई भी प्रॉब्लम है A to Z कोई भी प्रॉब्लम है, आपने किसी भी डीलर से लिया है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, अगर उसका आप कोई भी समाधान चाहते हैं तो तुई खालसा गीज के किसी भी नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। आप अपने टूल को अपडेट कराना चाहते हैं, अपडेट के विषय में कोई बात करना चाहते हैं तो भी तुई खालसा गीज के किसी भी नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, वैसे नंबर नीचे मैं डालूंगा इसमें, उसी नंबर पे आप कॉल करें, ठीक है सर। कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है, ठीक है भाई जी। और सबसे मेन बात अब लास्ट में, बस वीडियो बहुत लंबी होगी, आप सब भाइयों का प्यार हमेशा मेरे साथ रहता है, मेन चीज़ यही है भाई जी कि अपडेट वाली जो डेट है उसको ध्यान रखें, X100 Pad 1 X2 डिवाइस ओनली 1 तारीख तक का लास्ट अपडेट है 13,000 रुपये में, ठीक है भाई जी। कुछ गलत लगाओ सारे भाइयों से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, कुछ मिस्टेक से गलत निकल गया उसके लिए सॉरी, वेलकम टू तुई खालसा कीज, वेलकम भाई जी।